हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकाज कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक क्विक चॉकलेट केक। ये केक हम माइक्रोवेव में बनाएंगे और ये झटपट 4 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, चीनी को हमने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, 1 कप दूध, 1/4 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्ब, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस। आइए बनाते हैं चॉकलेट केक। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मैदा, कोको पाउडर, सोडा बाइकार्ब और बेकिंग पाउडर। इनको हम अच्छे से छान लेंगे। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रख लिया है। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और चीनी पाउडर। ये 1 कप दूध है और 1 कप ही इसमें चीनी है। जो हमने कोको पाउडर लिया है वो अनस्वीटेंड होता है, उसमें चीनी नहीं होती, इसलिए हमने चीनी की मात्रा ज़्यादा रखी है। अगर आप चॉकलेट पाउडर लेते हैं कोको पाउडर की जगह, आप चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं, तो उसमें स्वीट होता है, तो आप चीनी की मात्रा उसमें थोड़ा कम कर लें। अब हम दूध और चीनी को एकदम मिलने तक थोड़ा सा मिला लेंगे, उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा दूध और चीनी एकदम मिल गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये मैदा डाल के मिक्स करेंगे और एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा बैटर एकदम स्मूथ तैयार हो गया है, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल डाल के भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से बैटर में मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और उसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसको जिस भी मोल्ड में डालेंगे, मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है, आप चाहें तो माइक्रोवेव के साथ जो माइक्रोवेव प्रूफ प्लास्टिक मोल्ड्स आते हैं आप वो ले सकते हैं, प्लास्टिक वाले जो डोंगे आते हैं, या फिर कोई भी माइक्रोवेव प्रूफ जो डिश होती है उसके अंदर आप ये केक बना सकते हैं। इसको अच्छे से ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है और अब हमारा एक इन्ग्रीडियंट बचा है, वो है नींबू का रस। अब हम नींबू का रस इसमें मिलाएंगे। नींबू का रस हमेशा लास्ट में मिलाएं क्योंकि ये डाला जाता है बेकिंग पाउडर को एक्टिव करने के लिए। और नींबू का रस डाल के जैसे ही आप इसको पूरा मिक्स कर लेंगे, तुरंत ही आप मिक्सचर को मोल्ड में डाल के और माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर करके एक सिर्फ 4 मिनट के लिए आपको उसको माइक्रोवेव करना है। मिक्सचर को अब हम मोल्ड में डाल देते हैं और फिर इसको माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मिक्सचर हमने मोल्ड में डाल लिया है, इसको हम थोड़ा सा एक बार टैप कर देंगे जिससे कोई बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। हमारा केक पक्के तैयार है। इसको हम चेक कर लेते हैं। चक्कू हमारा बिल्कुल क्लीन है, हमारा केक बनके तैयार है। ये केक 4 मिनट में पक्के तैयार हो गया है। आप 4 मिनट के बाद इसको टेस्ट करके देखें, इस तरह से चक्कू डाल के, अगर आपका चक्कू क्लीन नहीं निकलता है तो आप इसको 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव करें और फिर माइक्रोवेव से बाहर निकाल के ठंडा होने दें। हम इस केक को 5 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर अनमोल्ड करेंगे। केक को हमने अनमोल्ड कर लिया है,
बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये पिसी हुई चीनी को स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही सुंदर दिखेगा। हमारा चॉकलेट केक बनके तैयार है। मैं आपको इसका एक पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बहुत ही स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये केक पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकास कुकबुक।